हमारी मीटिंग थी यहाँ एमओडी में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेप्शन वेलफेयर में, और बहुत सारे मुद्दे एएफपी को लेकर के उठाए गए। एक तो हमारी उन्होंने बातें मानी, हमने जैसे कहा कि एएफटी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें ई फाइलिंग होनी चाहिए, जैसे रीजनल वेबसाइट्स हैं उन सबको प्रॉपरली वो चले, सो दैट अपडेट लोगों को प्रॉपर मिल सके। और वो इसके अलावा हमने ये भी बात करी कि जो एक्सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एएफटी के अंदर केस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं एंड वो हम उनको सप्लाई करेंगे, एंड देन दे अश्योर्ड अस कि दैट दे विल बी वर्किंग ऑन टू दिस एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी पुट अप टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड द पीएमओ ऑफिस। लगातार सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। एक समाधान अभियान के तहत स्वयं सचिव साहब जो हैं वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार जो है पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो लगातार प्रयासरत है। और आज जिस वातावरण में बातचीत हुई है उससे मुझे पूरा भरोसा बना है कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। और कुछ बातें जो उन्होंने बताया, जिस तरह का समाधान उन्होंने किया है वो भी, उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो कदम अभी उठाए हैं, चाहे वो CHS के संबंधित हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों की जो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव जो कदम उठाए हैं हम उसकी भी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी प्रकार जो है हम सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जो है आगे बढ़ेगी।